चुनाव से ठीक पहले निकले मोदी के अंतरिम बजट में किसान हो या आमजन, मजदूर हो या महिलाएं, सबको दिल खोल कर बांटा गया है। जेटली की अनुपस्थिति में पीयूष गोयल द्वारा पेश बजट देखकर तो यही लग रहा है जैसे मोदी कह रहे हो लो भर लो झोलियां। अब जरा बड़ी बड़ी बातों पर गौर कर लिया जाए। सबसे पहले बात किसानों की, जिन्हें किसान विकास सम्मान के तहत हर साल 6,000 रुपए सीधे खातों में भेजने का ऐलान है, तो 5 लाख तक की आय वालों को टैक्स के दायरे से बाहर कर दिया गया है। मजदूरों के लिए 60 के पार हर माह 3,000 देने का वादा और मृत्यु पर 6 लाख का मुआवजा मिलेगा, तो गायों के लिए कामधेनु योजना और कर्मचारियों की ग्रेच्युटी 10 से बढ़ाकर 20 लाख करने का ऐलान भी पीयूष गोयल के पिटारे से निकला है। इतना ही नहीं, महज 21,000 कमाने वाले श्रमिकों को 7,000 का बोनस भी मिलेगा। सौगातों का सिलसिला यही नहीं थम जाता। महिलाओं को बैंक में जमा राशि पर 40,000 तक का ब्याज टैक्स फ्री कर दिया गया है, तो बॉलीवुड को शूटिंग के लिए परमिशन में सिंगल विंडो खोल दी गई है। गायों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय गोकुल मिशन को 750 करोड़ का बजट आवंटित करने का प्लान है। अब जरा प्रतिक्रियाएं भी जान लीजिए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इसे छलावा और जुमला बजट बताते हुए एक ट्वीट किया है। वहीं मध्य प्रदेश के पूर्व सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग ने इसे स्वतंत्र भारत का सर्वश्रेष्ठ बजट करार दिया है। बहुत ही शानदार बजट पेश किया है, इससे गरीबों का, मध्यम वर्ग के लोगों का और सभी लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। लोगों में हर्षोल्लास का माहौल है। 5 लाख रुपए तक इनकम के लोग जो है उनका जो है इनकम टैक्स फ्री कर दिया गया है, इससे 3 करोड़ लोगों को फायदा होगा और कम से कम 12 करोड़ किसानों को हर महीने हर साल जो है 6,000 रुपए का उनके खाते में जमा होंगे। गरीबों को 3,000 पेंशन मिलेगी। मजदूर जो हैं, ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि अपना जो रक्षा बजट है वो 3 लाख करोड़ का हो गया है। अब नए प्लेन, नए लड़ाकू विमान और जो भी सुविधाएं मिलिट्री के लोगों को मिलती है वो मिलेगा। इससे देश की हमारी सेना जो है सक्षम होगी, हमारा देश मजबूत होगा और बाकी सब योजनाएं हैं उससे गरीबों को निश्चित ही फायदा होगा। किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए योजनाएं लाई हैं, गायों के लिए भी योजना लाई है। नहीं, बुलाना सभी वर्गों के लिए सरकार ने योजना लेके आई है। इससे करोड़ों लोगों को जो है फायदा होगा सरकार यहाँ पे। और आयुष्मान योजना है, उज्ज्वला योजना है, इन सबके लिए भी बजट का प्रावधान किया गया है। मनरेगा के लिए भी जो है बजट का प्रावधान किया गया है, तो निश्चित ही इससे बहुत राहत मिलेगी लोगों को और किसानों के जीवन में एक तरह से 6,000 रुपये उनके लिए बहुत अच्छी रकम है और मजदूर है उनको भी 3,000 रुपये पेंशन मिलेंगे, निश्चित ही उनको बहुत फायदा होगा। मोदी सरकार ने आज अपना 6वां अंतरिम बजट पेश किया है। निश्चित तौर पे जनता को उम्मीद थी कि ये उनका जो आखिरी बजट है इसमें कोई अच्छे दिन के वादे किए जाएंगे। अच्छे दिन के सपने तो 5 साल से दिखाते आए पिछले 5 बजट में, लेकिन वो अच्छे दिन के सपने इस बजट में पूरे होंगे। लेकिन पूरी तरह से छलावा वाला बजट रहा, जुमले वाला बजट रहा, जनता को गुमराह करने वाला बजट रहा, पूरी तरह से चुनावी प्रलोभन व लालीपॉप वाला बजट रहा। जिस किसान, मजदूर, गौमाता, गरीब की चिंता उन्होंने पूरे 5 वर्ष नहीं की, वे अपने कार्यकाल के अंतिम दिनों में उनकी चिंता कर रहे हैं। बात कर रहे हैं किसानों के सम्मान निधि 6,000 रुपये 2 हेक्टेयर तक के देंगे, 500 रुपये महीना। जो किसान आज कर्ज के बोझ तले दबे होने के कारण आत्महत्या कर रहा है, जो किसान खेती जिसके लिए घाटे का धंधा बन चुकी है, उस किसान के कर्ज माफी करना थी, उसे राहत प्रदान करना थी, उसके लिए 500 रुपये की मात्र राशि और वो भी सम्मान निधि। तो ये सम्मान नहीं, असम्मान निधि है। 2 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष रोजगार की बात करते थे, रोजगार को लेकर कोई भी इस बजट के अंदर बात नहीं की गई। महंगाई के मारे देश की जनता दम तोड़ रही है, GST और नोटबंदी के कारण व्यापार तबाह हो गए, उससे राहत की कोई बात नहीं की गई, महिलाओं के सम्मान की कोई बात नहीं की गई। पूरी तरह से किसानों को, महिलाओं को, मजदूरों को गुमराह करने वाला बजट है। झूठी घोषणाएं और 2022 के सपने दिखाए जा रहे हैं और वो घोषणाएं जो पता है उनको सरकार चले जाएगी 1 महीने बाद, जो पूरी नहीं होगी, जो नई सरकार को पूरी करनी है, उस सरकार के मतलब घोषणाओं के नाम पर सिर्फ जनता को गुमराह कर वोट हथियाने के नाम पर ये बजट आज पेश किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया फर्स्ट न्यूज, भोपाल। लोगों के लिए लड़ाई, फिर लोग ही सबसे पीछे, जनता के लिए वायदे, फिर फायदे में जनता ही पीछे, आवाम के लिए सियासत, फिर हुकूक में आवाम ही पीछे। पब्लिक फर्स्ट, इंडिया फर्स्ट न्यूज का ऐसा मंच जहां सिर्फ और सिर्फ आपके मुद्दे पहले, आपकी आवाज फर्स्ट। देखिए पब्लिक फर्स्ट, वॉइस ऑफ पब्लिक, ओनली ऑन इंडिया फर्स्ट न्यूज।